लो साहब, ये आपने फाइल मंगाई थी ना। और साहब, आप खाना खाने नहीं जा रहे? गुंजन, मैं ऑफिस को लेट हो रहा हूँ, मेरा लंच बना दो। यहाँ मेरी नींद पूरी नहीं हो रही और तुमने अपनी लंच की बड़ी है? चुप करके ना जाके ऑफिस के कैंटीन से खा लेना। और हाँ, दोबारा मुझे डिस्टर्ब मत कर देना, जाओ यहाँ से। नहीं, मैं लंच नहीं लाया आज। अरे कोई बात नहीं साहब, मेरी बीवी ना अभी खाना लेके आती होगी, तो आप मेरे साथ ही खा लेना। अरे नहीं, तुम्हारी बीवी लंच लाएगी तो वो तुम खाना ना, मैं थोड़ी खाऊंगा वो। अरे साहब, उसमें मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन अगर आपको शर्म ना आए तो बस। नहीं नहीं, शर्म कैसी इसमें, कोई नहीं, तुम अगर कह रहे हो तो तुम्हारे साथ खा लूंगा। ठीक है साहब, ये लो, आ गई। नमस्ते साहब। नमस्ते। ये लीजिए आपका टिफिन, और टाइम से खाना खा लेना। आज मैंने आपकी फेवरेट सब्जी बनाई, भिंडी। अच्छा, तुमने खा लिया खाना? अरे नहीं, वो ना आज थोड़ा सा काम करने में देरी हो गई थी, तो मैंने सोचा पहले आपका टिफिन दे दूँ, मैं घर जाके खा लूंगी बाद में। ठीक है, खा लेना। अच्छा, मैं ये कह रही थी आपके पास एक 50 रुपये हैं। 50 रुपये? क्यों? वो ना मैं ऑटो से चली जाऊंगी। ऑटो? अरे कोई बात नहीं, वैसे भी ना डॉक्टर ने बोला है कि जितना पैदल चलोगे ना उतना ही शरीर के लिए अच्छा है, मैं चली जाती हूँ पैदल। अरे एक मिनट रुकिए ऋतिक, लो ये पैसे दे दो तुम इनको। अरे साहब, आप पैसे को दे रहे हैं? कोई बात नहीं, रखो तुम। ठीक है साहब, पर ये पैसे ना मैं आपको जल्दी लौटा दूंगा। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इनको दे दो पैसे, ये लो। ठीक है, खाना खा लेना। ऋतिक, तुम कितने खुश नसीब हो जो तुम्हें इतनी अच्छी बीवी मिली। तुम्हारे पास 50 रुपये रिक्शा के भी नहीं थे, वो फिर भी जिद्दी लगा रही थी तुमसे। हाँ साहब, मैं ना खुश नसीब तो हूँ कि मुझे ऐसी बीवी मिली है। और साहब, आपको पता है कि उसने आज तक ना मुझसे कोई डिमांड नहीं की है और ना ही कुछ मांगा है। और साहब, आपको पता ही है ना कि मैं पियोन की जॉब करता हूँ और इसमें मुझे सिर्फ 10-15 हज़ार ही मिलते हैं। तुम ना महीने के 50 हज़ार रुपये कमाते हो, ना कि 5 लाख रुपये। और 50 हज़ार रुपये में ना घर का खर्चा ही बड़ी मुश्किल से चलता है। लेकिन साहब, आज तक ना उसने मुझे कभी जताया नहीं है कि मैं इतने कम पैसे कमाता हूँ। और वो सामने वाले शर्मा जी को ही देख लो, पूरा 1.5 लाख रुपये महीना कमाते हैं। ऐश आराम की जिंदगी जीती है उनकी बीवी, और एक मुझे ही देख लो। और साहब, मैं जितने भी पैसे उसके हाथ में थमा लेता हूँ ना, वो उसी में घर चला लेती है। लो गुंजन, घर के खर्चे के पैसे। इतने से पैसे मैं पूरे महीने का घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? अरे जितने बचेंगे उतने ही तो दूंगा, ज्यादा कहाँ से लाऊं मैं। इतने से पैसों में ना मेरा भी खर्चा चलेगा, तुम्हारे घर का कैसे चलाऊंगी? लो रखो अपने पैसे। और साहब, आपको पता है हमारी शादी को ना इतने साल हो गए, लेकिन आज तक उसने मेरे से ना कभी भी किसी चीज के लिए जिद नहीं करी। पिछले 2 महीने से तुम्हें बोल रही हूँ मुझे वो नेकलेस दिला दो, मुझे अपनी कजन की शादी में डालना है, पर तुम वो की कुछ सुनते ही नहीं हो। अरे कहाँ से दिला दूँ वो नेकलेस, पूरे 1.5 लाख का है वो नेकलेस। अरे कभी कोई खर्चा आ जाता है, कोई सेविंग्स हो ही नहीं पा रही है। तुम थोड़ा टाइम रुक जाओ, मैं करूंगा कुछ ना कुछ अरेंज। अरे जब तुमसे मेरे खर्चे नहीं उठाए जाते थे तो मुझसे शादी क्यों की? और साहब, आप तो देख ही रहे हो, मेरे ना रोज ताजा खाना बना के लाती है और घर से 1 किलोमीटर पैदल चल के आती है। और साहब, यहाँ तक कि ना मेरे पास 50 रुपये भी नहीं थे कि उसको मैं ऑटो का किराया दे सकूँ, ये तो साहब आपने दिए, नहीं तो वो पैदल जाने के लिए तैयार थी। और साहब, ये तो कुछ भी नहीं है, घर पे किसी भी चीज़ की कमी होती है ना, वो कभी ना जताती नहीं है, उसी में गुजारा कर लेती है। और साहब, मुझे ना कभी ये महसूस नहीं होने देती कि घर पे इस चीज़ की कमी है। सच में साहब, मैं ना बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे ऐसी बीवी मिली है। सही मेरे थे, ऐसा जीवन साथी ना नसीब वालों को ही मिलता है। ठीक है साहब, चलते हैं खाना खाते हैं। चलो तुम चलो, मैं अभी आया। ठीक है सर।